बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, आज बहुत टाइम बाद मैं आपसे मेरी रेसिपी शेयर करने आई हूँ। मैं आज मेरी जूनियर की रेसिपी शेयर करूँगी। सो आज हम बना रहे हैं चिकन टिक्का बिरयानी। चिकन टिक्का बिरयानी ज़रूरी नहीं है, इफ़ यू आर वेजिटेरियन यू कैन गो विद पनीर, सोया चंक्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ सोया और पनीर यू कैन यूज़ मिक्स वेजिटेबल्स एज वेल, एंड मटन भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन की, आप चाहो तो विद बोन्स भी बना सकते हो। सबसे पहले मैंने पानी गर्म रख दिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी नमक एंड बासमती राइस। और अब हम मैरिनेट करते हैं चिकन को डीप फ्राई के लिए। मैंने यहाँ पे ऑयल भी गर्म रख दिया है। सो चलिए, जब तक ये गर्म होते हैं हम चिकन मैरिनेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी बोनलेस चिकन। वन बाय वन इंग्रेडिएंट्स मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखो, चिकन को अच्छे से क्लीन कर दिया है, स्मॉल चंक्स क्यूब्स कर दिए हैं मैंने। सो अब मैं ऐड करने जा रही हूँ जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट साथ हो अवेलेबल है तो आप वो भी मिक्स ऐड कर सकते हो। मैं तीनों अलग अलग ऐड कर रही हूँ, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप सब मेरी तरह ही फॉलो करो, कुछ अपने घर के हिसाब से भी आप ऐड कर सकते हो। इसमें हम सिजवान चटनी भी डालेंगे, रेड चिली पाउडर भी डालेंगे, सो ग्रीन चिली थोड़ा संभाल के ऐड करना। चिकन मसाला भी मैं डालूंगी, वन बाय वन सब इंग्रेडिएंट्स आपके सामने ही डालूंगी। अब इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। ये मेरे ग्रुप की बहुत ही ट्रेंडिंग रेसिपी थी, जो किसी मेंबर ने भेजी थी और मेरी जूनियर ने ट्राई की थी। महक की रेसिपी है ये। मैंने पहले डाला रेड चिली सॉस, फिर मैंने डाला सिजवान चटनी, अब मैं डाल रही हूँ चिकन का मसाला। ज़रूरी नहीं है आप यही ब्रांड यूज़ करो, के पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हो। अब इसमें मैं ऐड करूंगी एग। नमक अपने हिसाब से आप ऐड कर देना। फिर इसमें डलेगा थोड़ा सा मैदा एंड कॉर्नफ्लोर। चिकन को हमें डीप फ्राई करनी है, सो मैदा एंड कॉर्नफ्लोर मैं ऐड कर रही हूँ। चाहे तो आप रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हो इसमें। इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा सोया सॉस भी मैं ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर और मैदा अप्रॉक्सीमेट दो दो चम्मच इतना मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला है। वो आप अपनी चिकन की क्वांटिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रही हूँ। नमक भी मैंने हल्का सा ऐड कर दिया है। बस इसे हम 10 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। ये बोनलेस चिकन है इसलिए ज़्यादा मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मटन डालते हो तो आपको मैरिनेट ज़्यादा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरा पानी भी बॉईल हो गया है, तो इसमें मैंने जो बासमती चावल रखे थे वो मैं डाल दूँगी। ये बस अभी थोड़ा सा गला ख़राब है, सो बोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाए तो आई एम सो सॉरी, आप ज़रा सा एडजस्ट कर लेना। फ्लेम को हम स्लो करेंगे और इसमें चावल ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे हमने चिकन मैरिनेट भी कर दिया, चावल भी बॉईल करने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे पोटैटोज़ को फ्राई कर लूँगी, पीसेस अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कोई चाहे तो फ्रेंच फ्राइज, वेजेस, कुछ भी कट कर सकते हो। मैं यहाँ पे राउंड पोटैटोज़ कट कर रही हूँ सर्कल में, और उसे सॉल्ट में डाल के पहले से पानी में मैंने भिगो के रख दिया है। अब उसे मैं सर्कल पीसेस को फ्राई करूँगी पोटैटोज़ को फुल फ्लेम में। जैसे कि मैंने आपसे कहा चिकन बिरयानी है, तो अगर आप चाहो तो पोटैटो स्किप भी कर सकते हो। मेरे बच्चों को पोटैटो ज़्यादा पसंद है,
मैं पोटेटोज ऐड कर रही हूँ। ध्यान से डालना, पोटेटो सिर्फ ही पानी में सोख किए हुए हैं इसीलिए पानी थोड़ा सा आएगा। ध्यान से रखना पोटेटो को, उसे हम डीप फ्राई कर लेते हैं और साइड बाय साइड हम ग्रेवी बनाएंगे। तो देखिए राइस भी हमारे हो रहे हैं, पोटेटोज भी फ्राई हो रहे हैं, तो ज़्यादा हिलाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप फ्राई हो जाएंगे। तो इसे हम दूसरे गैस में ट्रांसफ़र करके हम यहाँ पे ग्रेवी बनाते हैं। मीडियम फ्लेम कर डालेंगे पोटेटोज की। ये देखिए दोनों गैस को मैंने शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक अलग सा फ्राई पैन मैंने लिया हुआ है, उसमें तेल गरम रखा है। जब तेल गरम हो जाएगा तो उसमें मैं डालूँगी अनियन बारीक, मैंने चॉपर में की है अनियन, अगर आप चाहो तो स्लाइस्ड अनियन भी यूज़ कर सकते हो। पोटेटो को हमें हल्का हल्का गुलाबी करना है। देखिए इस तरह के पोटेटोज को करके मैं निकाल लूँगी। वहाँ पे मैंने पोटेटोज निकाल दिया है। प्याज वाली फ्लेम को मैं थोड़ा सा स्लो कर दूँगी और जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखी हुई है उसे मैं डीप फ्राई कर लूँगी, सेम ऑयल जो हमने पोटेटो के लिए रखा था। बहुत ही इजी एंड क्विक रेसिपी है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके भी बताना कि बहुत टाइम बाद मैंने वीडियो डाली है तो आप लोग को पसंद आई या नहीं। चाहो तो आप दो बैच में भी फ्राई कर सकते हो। मेरा पैन थोड़ा सा बड़ा है सो पूरी चिकन में इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को आप फुल में ले लेंगे। बिरयानी के राइस भी हो रहे हैं। ये थोड़ा सा लेफ्ट ओवर मसाला है, ज़्यादा पानी नहीं है सो इसे मैं बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूँगी, नो नीड टू वेस्ट। अब मैं बढ़ती हूँ ग्रेवी की ओर। प्याज को अच्छा हमें गुलाबी करना है। आप स्लाइस्ड अनियन भी यूज़ कर सकते हो। देखो प्याज हमारी अच्छे से गुलाबी हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी टोमेटो क्रश किए हुए हैं। मैंने सारी चीज़ें चॉपर में की हुई है, अगर आपको मिक्सर वाला पसंद है तो आप मिक्सर वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैंने दो मीडियम साइज़ की प्याज ली थी और तीन बड़े बड़े टोमेटो लिए हुए हैं। चावल मैंने आधा किलो लिया है और चिकन मैंने अप्रॉक्सीमेट 750 ग्राम्स ली है, एक किलो से थोड़ी कम ली है। तो वो मेजरमेंट आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हो, मैं जस्ट अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, मेजरमेंट आप अपने हिसाब से रख सकते हो। प्याज टोमेटो मिक्स हो गए, अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक एंड चिली पेस्ट। नमक आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना क्योंकि चावल में भी हमने नमक डाल दिया है उसके हिसाब का, ग्रेवी में हम अलग से डालेंगे और चिकन में भी हमने अलग से डाला हुआ है। तीनों पेस्ट मैंने डाल दी है।
अब इसमें मैं ऐड करूँगी रेड चिल्ली पाउडर, हल्का सा टर्मरिक पाउडर। अगर आपके पास आची का चिकन तंदूरी मसाला है तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, मेरे पास अवेलेबल नहीं है सो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। ये जो हमारा चिकन मैरिनेशन का लेफ्ट ओवर मसाला था वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब फ्लेम को मैं स्लो कर दूंगी और वन बाय वन सारी इंग्रेडिएंट्स ऐड करती जाऊंगी। इसमें मैं थोड़ी सी सिजवान चटनी एक्स्ट्रा डालूंगी टेस्ट के लिए। सिजवान सॉस के बाद अब इसमें मैं डालूंगी रेड चिली सॉस एंड टोमेटो सॉस। फ्लेम को अभी मैंने स्लो कर दी है। राइस भी मैंने स्लो पे रख दिए हैं। अगर आप चाहो तो पानी निकाल के जो हम बॉईल करते हैं वैसे भी आप कर सकते हो। मैं जितना चाहिए उतना पानी रख के दम में रख दी हूँ, पानी निकाली नहीं हूँ, यानी कि जिसमें बॉईल करने रखा था उसी पानी में मैंने स्लो में रख दिया है चावल को। चिकन भी फ्राई हो रही है और यहाँ पे मैं ग्रेवी बना रही हूँ। रेड चिली सॉस ऐड कर दिया, सिजवान चटनी ऐड कर दी और हल्का सा सोया सॉस भी ऐड कर दिया हमने। अब इसमें डलेगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक और रेड चिली पाउडर एंड आची का मसाला। यहाँ पे मेरी चिकन भी फ्राई हो गई है, मैं चिकन को भी निकाल लेती हूँ। चिकन को मैंने निकाल दिया, ग्रेवी भी स्लो फ्लेम में अच्छे से मिक्स हो गई है, इसका टेक्सचर देख सकते हो, माशाल्लाह स्मेल भी बहुत ही डिलीशियस आ रही है। सो आप मेरी जूनियर की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। अब इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन मसाला जो मैंने बेंगलोर से परचेस किया हुआ है। इफ़ यू आर मेमन आप जानते होंगे ये लूज़ वाला मसाला मिलता है। थोड़ा सा हम डालेंगे हल्दी पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। रेड चिली पाउडर बहुत ज़्यादा नहीं डाला है मैंने क्योंकि इसमें सिजवान चटनी, चिकन मसाला सब चीज़ें ऐड कर दी है। इसमें मैं डालूँगी टोमेटो केचप, चिकन वाला मसाला, थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी कढ़ाई चिकन मसाला। इसकी जगह पे आप ऐड कर सकते हो एवरेस्ट का तंदूरी मसाला, कोई भी ब्रांड ज़रूरी नहीं है व्यूवर्स, आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हो। सो अब सब मसालों को हम मिलाएंगे। इसमें मैंने दही ऐड नहीं की है, नहीं तो फिर जो हम नॉर्मल बिरयानी बनाते हैं वैसी हो जाएगी। सारे मसाले मिक्स करके इसे हम स्लो पे कुक करेंगे। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें रेडी हैं, चिकन फ्राइड रेडी है, पोटैटोज रेडी है, मसाला रेडी है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसके लेयर्स करेंगे, यानी कि बिरयानी को हम दम में देंगे। बिरयानी के राइस हो चुके हैं, थोड़े से राइस हम निकाल के बीच में मसाला, चिकन फ्राइड पोटैटोस सब ऐड करके लेयर्स करेंगे। देखो जरा से चावल हमने रखे हुए हैं, अब सेंटर में मैं ग्रेवी ऐड कर दूंगी। ग्रेवी में हमने ना तो पानी डाला है ना तो दही डाली है। चावल को अच्छे से कवर कर लेना है हमें, मेरे घर में बहुत ज़्यादा मसाला नहीं चाहिए हमें।
अब ऊपर मैं ऐड करूंगी चिकन पीसेस एंड पोटैटोस। बोनलेस पीसेस मैंने लिए हुए हैं, अच्छे से फ्राई कर ली है इसको। चाहो तो आप विद बोन्स भी कर सकते हो। ये स्टेप पे जो आप यूज़ कर रहे हो पनीर है, पनीर को थोड़ा केयरफुली करना क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट रहता है। सो ये स्टेप में हमें सारी चीज़ें ऐड करनी है। अगर आप वेजिटेबल्स भी ले रहे हो तो वेजिटेबल्स को शैलो फ्राई करके रखना पहले से, जस्ट लाइक पोटैटोज है, बीन्स है, कैरेट है। सो ये सब अरेंज कर लेंगे। कोरिएंडर लीव्स, पुदीना मैंने सब ऐड कर दिया है। अब वापस ये राइस को मैं चावल से कवर कर लूँगी। ऊपर वो सेम हम ऐड कर देंगे, चिकन, पोटैटोस, कोरिएंडर, पुदीना, सब चीज़ें ऐड करने के बाद अब इसके ऊपर मैं हल्का हल्का सा कलर स्प्रिंकल कर दूँगी एज अ पाउडर फॉर्म। आप चाहो तो थोड़ा सा दूध में भी मिला के ऐड कर सकते हो। अब इसे हम 5 से 10 मिनट दम में रखेंगे और फिर ये बिरयानी को हम सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरी जूनियर की चिकन टिक्का बिरयानी रेसिपी पसंद आती है तो आप पर्सनली रिक्वेस्ट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट्स करना और शोनास किचन को सब्सक्राइब तो करना ही है। व्यूवर्स, मैं इसमें हल्का सा फ्राइड बिरिस्ता भी ऐड कर रही हूँ। ऊपर आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो, यानी फ्राइड नट्स, बॉइल्ड एग, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। सिंपल, इट्स रेडी। क्विक एंड ईजी रेसिपी मैंने शेयर की है। अब इसे मैं दम करके सर्व करूँगी। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे दूसरी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ याद।